आज देखिए हम लोग का डर सही चोर लोग, ये चोर लोग ताला बंद करके, ये चोर बिना लोग ताला बंद करके रखा है कि ये चोर बिना लोग को जल्द से जल्द गिरफ्तार। सारा इंडिया मेरा दे पैसा, मेरा पैसा वापस दे दे। क्या सुब्रत राय सही है? क्या सुब्रत राय ने जो किया है अच्छा किया है? मेरा जो पैसा है वापस दे दे। अब देखिए आज हम लोग पाँच पाँच लाख रुपए महीना ला करके देते थे, उस समय ताला लग रहा था और पेमेंट नहीं होता, देश के जनता मरने पर मजबूर होता। सही बात है, सरकार भी बिक चुकी है इसलिए। झारखंड के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों और साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की गाढ़ी कमाई सहारा में फंसी हुई है। अब कंपनी के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। सहारा के निवेशक एवं सहारा एजेंट ने आंदोलन अच्छी तरह से छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस बार आर्या पार आंदोलन से सरकार गिराने तक की बात कह दी है। निवेशकों को कहना है कि हमारा जीवन भर का पूंजी इसमें फंसा हुआ है, रो रो कर कैसे दर्द बयां किए निवेशक देखे इस रिपोर्ट में। मैं सीमा सिंह 25 साल से सहारा में कर्ज करता हूँ और जमा करता भी। मैं अपना खुद का पैसा 25 लाख से ऊपर जमा की, जिंदगी भर का कमाई सहारा में रख दिए कि बच्चा मेरा बड़ा होगा तो शादी ब्याह करेंगे या पढ़ाएंगे या लिखाएंगे। मैं रोडे रोडे घूमते रही, धूप को धूप नहीं समझी, बरसात को बरसात नहीं समझी और लोग से कलेक्शन करते रही। जमा करता लोग कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, 30 रुपया ऐसे करके जमा करता था, कोई बर्तन माँज के, कोई ठोंगा बना करके, कोई। हम लोग सर बहुत दुख, हम लोग का बहुत दुखी है कि हाँ सहारा सबका पैसा लेकर के बैठ गया। अब बीते दिन 1 साल 3 साल से पेमेंट नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टी का पेमेंट नहीं कर रहा है। वो लोग हम लोग कह रहा है, हम लोग से कह रहा है कि दीदी हमारा पैसा दिलाइए, मगर हम लोग पैसा कहाँ से दें? हम लोग नहीं जानते थे कि सहारा हम लोग के साथ गलत भूमि में रख करके हमारा पैसा लेकर के बढ़ जाएगा। अब सर हम लोग अनशन में बैठेंगे, हम लोग चारों तरफ घूमेंगे, बहुत परेशान है। 100 गो फोन आता है कि दीदी हमारा पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा। बस हम लोग से यही गुहार लगाना है कि सरकार हम लोग का पैसा दिलाए सहारा से, या सहारा हम लोग का पैसा दे, हम लोग का आंसू उसके उस तक पहुँचे। दिन दुखिया का दर्द दुख को जो लेकर के वो बैठ गया है, कोई बर्तन माँज के पैसा रखा है, कोई ठोंगा बना करके पैसा रखा है, कोई सब्जी वाला पैसा रखा है, कोई रेडी वाला पैसा रखा है, उन दिन दुखियों का पैसा रख करके उसको कहीं से फलित नहीं होगा सर। उस तक हमारा आवाज़ जाए, वो हमारा पैसा वापस करे सर। और गवर्नमेंट से भी गुहार है कि हमारा दिन दुखियों का दुखी इसको समझे और हमारा पैसा वापस कराए, या तो सहारा से कराए या गवर्नमेंट खुद का दे। अगर सर इन लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग हर जगह जा करके गली गली वो कर करके अनशन में बैठ रहे हैं, हर जगह हम लोग अनशन में बैठ करके कह रहे हैं कि हमारा पैसा जाए, गवर्नमेंट तक सुनवाई हो, हमारा पैसा वापस करे सर। पैसा वापस लेंगे क्योंकि हमारी ये दुख की पैसा है, ये हम लोग का लड़ाई करके ही पैसा लेंगे। हम लोग बहुत परेशान होकर सर 25 साल तक की सहारा में काम किए, मगर हम अपना पैसा भी रख दिए और सारा पब्लिक का भी पैसा रखे, गरीब दुखियों का पैसा रखे, मगर हम लोग नहीं मानेंगे सर। मर जाएंगे मगर हम अपना पैसा वापस लेके रहेंगे। मेरा सरकार से नर्म निवेदन है कि सहारा इंडिया को पेमेंट कराने की कृपा करो, देश के जनता अगर पेमेंट नहीं होता, देश के जनता मरने पर मजबूर हो जाए। ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग चल नहीं सक रहे हैं, कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है, हर जगह तंग हो रहे हैं हम लोग, ना घर के ना बाहर के, घर में भी रहते 10 गो फोन आता है। हम लोग को क्या गलती है? सहारा इंडिया का सरकार अगर चाहेगा तो पेमेंट हो सकता है, लेकिन सरकार चुपचाप है। सरकार के हम लोग जनता ना हैं, अगर जनता अगर पेमेंट नहीं होगा तो जनता कहाँ जाएगी? रोड में जाएगी, मरेगी, तो सरकार को अच्छा लगेगी? सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि पेमेंट कराने की कृपा करें, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सर ये लोग बदतमीजी का सारा हद पार कर दिया है। एक समय था कि हम लोग को 200-400 का संख्या में ला के यहाँ पे भोजन खाना पीना माला माल सामान घड़ी माला सॉल पहनाता था। आज देखिए हम लोग का डर सही चोर लोग, ये चोर लोग ताला बंद करके, ये चोर बिना लोग ताला बंद करके रखा है। आज इन लोग के लिए हम लोग बहुत बड़ा दुश्मन हो गए हैं। एक समय था कि हम लोग के घर जाके माँ पिताजी को माला से माला सॉल से सम्मानित करता था, डेली घर पहुंचना था इन लोग का बिजनेस करवाने के लिए, और आज जवाब देने के लिए इन लोग सब अंदर का अंदर बंद हुआ है। मैं जिला प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि ये चोर बिना लोग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके आजीवन कारावास दे जब तक भुगतान ना हो। देखिए हम लोग तो अपना आंदोलन चला रहे हैं,
सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कंपनी से गुहार लगा रहे हैं कि गरीबों का, शोषितों का जो पैसा जमा किया है सहारा में, जिनको बरगला के कंपनी ने जमा कराया है। कंपनी जब से चालू किया था हम लोगों को पहले पता नहीं था, लेकिन कंपनी ये गलत नीति अपना कर ही सबको भगवान बन के भारत माता का तस्वीर रख के और बरगला के और ये जोनल अधिकारी, रीजनल अधिकारी जो है इन लोग के द्वारा इन लोग से बरगला के पैसा जमा कराया है। अब कंपनी का नियत खराब हो चुका है। अब कंपनी का नियत है कि पैसा हम नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास तो रास्ता नहीं है, हमको अपना पैसा चाहिए। हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, FIR कर रहे हैं। अभी एक ही थाना से FIR हुआ है, डोरंडा थाना से, बाकी थाना से अभी तक नहीं हुआ है। FIR होना चाहिए। आखिर जब एक ठग कंपनी देश को ठग लिया है और उसके बाद जब ये भुगतान नहीं कर रहा है तो हम लोग कानून व्यवस्था में ही जाएंगे, कानून व्यवस्था के तहत हम लोग FIR करने ही जाएंगे। क्या सुब्रत राय सही है? क्या सुब्रत राय ने जो किया है अच्छा किया है? सहारा इंडिया मेरा ने पैसा, मेरा पैसा वापस दे दे, नहीं तो 15 जो जो हम बैठे थे सहारा का पूरा पूरा सुप्रीम कोर्ट का जब वो ज़्यादा होगा, मैं जो वहाँ तक तैयार हूँ। मेरा ने एजेंट है मुन्नी ने मैडम, मुन्नी को मैडम को लेके सुप्रीम कोर्ट तक भाई मैंने पहुँच देता किया वादा। मेरा जो पैसा है वापस दे दे, जितना यहाँ पर महिला लोग कार्यक्रम होता है उसका भी पैसा वापस दे। क्या कितना ने खून आओ पसीना से पैसा अगला लोग कमाया है सहारा ने पैसा ले ठगा है कार्यक्रम जो सहारा का काला जेट ने खुला हुआ डेली आज तीन ने देखा ने सहारा मीटिंग है तो ताला दे। हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन बंधु लोग सारे लोग पीड़ित हैं। आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, जो कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। प्लस हमारे सहारा इंडिया के अधिकारी, जोनल चीफ वगैरह जो लोकल अधिकारी है, वो सारे कोई ध्यान नहीं दे रहे, एक रुपये का भुगतान नहीं कर, जिसके कारण से लगभग हमारे देश से लगभग 1000 लोग सुसाइड कर चुके हैं, आत्मदाह कर चुके हैं। बताइए अब हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग आते हैं, ऑफिस का ताला बंद रहता है, पूरी तरीका से जो है सरकार इसको संरक्षण दी हुई है। हाँ, कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ अभी बंद कर दिया, वहाँ ऑफिस के कार्यकर्ता लोग हैं, ऑफिस स्टाफ लोग हैं। और देखिए आज हम लोग पाँच पाँच लाख रुपये महीना ला करके देते थे, उस समय ताला लॉक रहता। सबकत नाज है और मैं यहाँ 10-11 साल तक का काम की हूँ। बहुत गरीब लोग भी पैसे जमा किए यहाँ पे, मेरे पार्टी लोग भी आए हैं, किसी की बेटी की शादी है कि कोई अपने बच्चे को स्कूल से छुड़वा दी, खुद मैं अपने बच्चे को स्कूल से छुड़ा दी पेमेंट के कारण, ठीक है। मेरे हस्बैंड जितने भी पैसे मतलब कि वो कमाई है, वो पूरी अपनी जीवन की पूरी पूंजी यहाँ लगा हुआ। 18 लाख सिर्फ हमारा अपना है, बाकी हमारे पार्टी का अलग है। लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 2 साल से पेमेंट नहीं दे रहा, पैसा आया हुआ फंड में लेकिन फिर भी नहीं दे रहा। और आज हम लोग इतने बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बोल भी नहीं पाएंगे कि कितने परेशान हैं। आज हम लोग ऑफिस आए, ऑफिस में देखिए सामने में ताला बंद करके रखा हुआ, अंदर कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और फोन में ये लोग की बात होती है, सुब्रत रॉय से भी होती है और मंत्री बहुत से लोग हैं, सभी से ये लोग बात करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, छुप कर आ रहे हैं, झाँक कर चले जा रहे हैं, ठीक है। चोर हैं सुब्रत रॉय, चोर हैं, इनके साथ बहुत से पार्टी दे रहे हैं, बहुत से चमचे दे रहे हैं, लेकिन सुब्रत रॉय होश में आ जाओ, भगवान का घर देर है अंधेर नहीं है। जो भी गलत का साथ देगा उनके साथ में कभी सही नहीं होगा, गलत का साथ में गलत ही होगा, क्योंकि आज हमारे पार्टी लोग इतने रो रहे हैं और खुद हम भी रो रहे हैं, अपने पार्टी का दुख देखते हुए उनके दुख देख कर ही पैसे जमा किए हैं कि आज आप लोग 1000 जमा करिएगा, आने वाला डेट में ये 1000 आपका 3000 बन के निकलेगा। लेकिन आज हम लोग को झूठा बना दिया है सुब्रत रॉय, तो सुब्रत रॉय तो दगाबाज ही है, लेकिन हमारे सरकार क्या कर रही है, हमारे सरकार
कितनी बड़ी बड़ी बातें थी, वो क्या कर रहे, हमारे सरकार भी नहीं सुने क्या? आज का अदालत में सरकार भी बिकती है, सही बात है, सरकार भी बिक चुकी है, इसलिए कोई गरीब का पीड़ा नहीं देख पा रही है सरकार। और ये मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ना बेटी पढ़ रहे हैं ना बेटे पढ़ रहे हैं, कारण है कि पैसे, हम लोग सभी पैसे अपने ऑफिस में रखे हैं कि सुरक्षा रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।